हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिप टेल्स रांची। आई थिंक अभी बहुत सारे लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि हमारे रांची में कहाँ कहाँ पंडाल बन रहे हैं ताकि वो आराम से घूम सके। एंड आई थिंक यहाँ रिसेंटली बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं जिन्हें भी ये जानना होगा कि कहाँ कहाँ पंडाल बनते हैं ताकि उन्हें घूमने वाले दिन ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो लेट मी हेल्प यू। तो आज हम इस पूरी वीडियो में जहाँ भी रांची के सारे पंडाल बन रहे हैं वहाँ वहाँ पर घूमने जाएंगे और मैं भी आपको अपने साथ लेके जाऊँगी ताकि हम देख सकें कि कितना वर्क हो चुका है और कितना करना बाकी है और कहाँ कहाँ की ओपनिंग कब है और प्लस कौन से पंडाल का क्या थीम है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डीपाटोली के पंडाल से। तो मैं आप सबको अपने साथ लेके चलती हूँ, चलिए। तो ये पंडाल डीपाटोली बांधगाड़ी में है जिसके ऑर्गेनाइजर्स हैं श्री श्री बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति। और इनका जो विजुअल थीम है वो रेफरेंस के लिए कि ये कैसा रहेगा आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं बुट्टी मोड़ की तरफ जिसके ऑर्गेनाइजर्स हैं महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति और इनका थीम है कोई काल्पनिक मंदिर। फिर हम आगे बढ़ते हैं पीएचडी की तरफ जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है और डिटेल्स के लिए वहाँ पे कोई प्रेजेंट ही नहीं थे जिनसे हम पूछ सके कि इनके ऑर्गेनाइज़र कौन है और यहाँ का थीम कैसा है, बट यह पंडाल भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं हाउसिंग बरियातू की तरफ जहाँ का सबसे पहला पंडाल और के ऑर्गेनाइजर्स थे स्वर्ण जयंती क्लब पूजा समिति और यहाँ का थीम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इतना पता चल रहा था कि यहाँ पर थर्माकोल यूज़ हो रहे हैं। फिर वहीं से लेफ्ट लेते हैं तो हमें एक और पंडाल दिखाई देता है उसी रास्ते पे जिसे ऑर्गेनाइज़ किया था विनेक्स क्लब ने और यहाँ का थीम है नारी हिंसा के ऊपर, जो कि अंदर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मुझे लगता है कि यहाँ का मैसेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप होगा। फिर आगे बढ़ते हुए रिम्स में भी हमें एक पंडाल दिखाई पड़ता है जिसका भी वर्क प्रोग्रेस में था क्योंकि बारिश होने की वजह से इनका काम रुक गया है, बट देख के पता चल रहा था कि इनका थीम भी काफ़ी अच्छा है, कुछ ऑरेंज कलर और सूर्य के ऊपर इनका थीम था। फिर हम आ जाते हैं मोराबादी,
यहाँ पर भी पिछले साल से पंडाल बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज करती है गीतांजलि क्लब। तो यहाँ पर कुछ कुटिया का थीम चल रहा था और इसे डेकोरेट किया जा रहा था टायर्स से, और ये बिल्कुल जूडियो के ऑपोजिट में ही बन रहा है। फिर है हमारा रातू रोड का पंडाल, जिसे ऑर्गेनाइज करती है आरआर स्पोर्टिंग क्लब, और यहाँ पूजा 1977 से हो रहे हैं, लेकिन 1986 से भव्य तरह से पूजा किया जा रहा है। थीम आपको क्या है वो समझने के लिए इसके बाद आने वाला रेफरेंस वीडियो देखना होगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर वर्क काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बकरी बाज़ार, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि रील से आपको पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ का थीम था राजस्थानी काल्पनिक मंदिर, जहाँ का लगभग सारा काम लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा एरिया में भी इसे बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं बंगला स्कूल, जो कि मारवाड़ी कॉलेज के पास ही है, और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं ओसीसी क्लब, और देखकर ये भी कुछ राजस्थानी थीम पे ही लग रहा था। फिर हमने उनसे पूछा तो एक्चुअली में ये लोग भी एक काल्पनिक मंदिर बना रहे हैं, वो भी राजस्थानी कल्चर को ही दिखाते हुए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेन रोड, चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति इनके ऑर्गेनाइजर्स थे, और इनका थीम है मणिकर्णिका घाट। सिलिकॉन का यूज़ करके ये पूरा पंडाल तैयार कर रहे हैं, और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी की मोम की मूर्ति आरती करते हुए भी यहाँ बनाई जाएगी। फिर आ जाते हैं शहीद चौक, जहाँ पर नेचर से रिलेटेड कुछ हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पर पेड़ बहुत सारे कटे हुए बनाए गए थे, और साथ ही साथ हमारी अर्थ बनाई गई थी। ये भी देखने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थीम लग रहा था। रास्ते में हमें दो और पंडाल दिखे, जो कि एक कचहरी रोड में है, जो जस्ट जयपाल मुंडा सिंह फुटबॉल स्टेडियम के ऑपोजिट में है, और आगे बढ़कर एक कचहरी चौक में भी एक पंडाल दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति चिटिया, और यहाँ का थीम है कोयम्बटूर के आदि योगी पर बेस्ड। आदि योगी यहाँ पर 35 फीट के बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ फ्रंट गेट पे केदारनाथ जैसा रिजेम्बलेंस होगा, और यहाँ पर योगा का भी संदेश दिया जाएगा देवी माँ की मूर्तियों के द्वारा, और साथ ही साथ लेज़र लाइट शो होगा 6.5 मिनट का, जिसका अप्रॉक्स 65 to 75 लाख का बजट आ रहा है, और यहाँ पर कुछ बॉटल कैप्स और मॉर्टिन कॉयल्स भी यूज़ की जा रही हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं श्री राम लला पूजा समिति धुरवा की तरफ, जहाँ पे सबको तो पता ही है कि 98 लाख का बजट है, और यहाँ का थीम है अयोध्या राम मंदिर। साथ ही साथ यहाँ पर मेला लगाए जाने की भी तैयारी की जा रही है, बट बारिश की वजह से काम अभी काफ़ी रुका हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हरमो कॉलोनी। तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति, और यहाँ का थीम है रंगोली, जहाँ पर ये बहुत सारे प्लेट्स और चूड़ियों का यूज़ करके एक बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कलरफुल, और यहाँ का अप्रॉक्स 20 लाख का बजट है। आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ फिर से। बाय बाय।